हालस तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल मुगल महल रॉयल वेडिंग्स एंड इवेंट्स। तेरा मेरी जिंदगी में यूं आना, निकाह मगर कहाँ? शहरी श्रीनगर के पॉश एरिया राजबाग में मुगल महल, जहां बारात और सैकड़ों मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जदीद तर्ज पर सजाए बैंक्वेट हॉल्स में रिवायती तरीके पर त्रामियों में लजीज वाजवान के अलावा बफे का भी मुकम्मल इंतजाम है। मेजबानों के लिए भी आलीशान रिहायशी सहूलियात दस्तियाब हैं। आइए आप भी अपने चहेतों की शादी मुगल महल में शाही अंदाज में अंजाम दें। आने वाले सीजन के लिए बुकिंग जारी, राबिता करें 9797565000 पर। मुगल महल कॉन्वेंट लिंक्स, लिंक नंबर 1, राजबाग, श्रीनगर। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। लोकसभा में आज तम सात खली बिल सपज मिल मेहमान हिज गैलरी में दयो मुश्तबा नौजवानों तरफ वेलस मजीद कार्रवाई में खलल त्रावन कोशिश कर आई ये मामले पेश इन सवान कार्रवाई मुलतवी कर आई लोकसभा तो राज्यसभा में हिजब इख्तलाफ मेम्बरो तरफ मामलस हवाले नाराजगी हुंद इजहार करान मंग कर आम मरकजी सरकार तरफ गवानस मजीद मामलस हवाले जवाब दिन युन ये जन ठीक चोर बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदारत मज पार्लियामेंट मेम्बरन हिज मीटिंग हुंद सांस कर आव यह दौरान मेम्बरो तरफ खदशातन तो तशवीश इजहार करना आव। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों लिए भी हैं। नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी जो हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से है आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर किसान छोटे व्यापारी दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही। त्रुवा दिसंबर वरी जसास एकिस मज ये पार्लियामेंट पे हमले शब्द सपुद यह दौरान कई आ फोर्सेज एहलकार तो दोयम शख्स जहां बहक सपुद तत् आज लोकसभा कार्रवाई शुरू सपदन सी स्पीकर ओम बिरला अम हमल याद ताज करान जहां बहक लूकन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कर्मुत जन अत मौक पे तिंदिस यादस मज दोन मिनटन हिज खामोशी तवानस मज इख्तियार कर आई। 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का स्मरण करते हैं जब कुछ आतंकवादियों ने हमारे संसद भवन पर हमला किया था और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करने का प्रयास किया था। आज के दिन हम उन सशस्त्र बलों को की बहादुरी को भी नमन करते हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हुए इस कायरतापूर्ण हमले को विफल कर दिया था। आज हम संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस सेवा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 8 सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस आतंकवादी हमले में एक CPWD कर्मी भी शहीद हुए थे। ये सभा उन अमर शहीदों को
श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये सभा उन शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति के साथ और दृढ़ता के साथ खड़ी है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का डटकर सामना करने के अपने संकल्प को भी दोहराते हैं तथा अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पुनः शपथ की पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। लोकसभा में जो आज मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदियन जॉलजी एंड माइनिंग हुन मामलों वतलावान मरकजी सरकार मांग कर अत महकमस मज कल डिलवेज मुलाजिम मुस्तकिल कर खाली असाइम पूर कर हवाले गदम तुलन यिन युत जन इलीगल माइनिंग पे रोट लागनस मज मदद मिले। There has been a long spell of presidential leave in Jammu Kashmir, so there, because of absence of an elected government, there is a huge overall deficit. So that has resulted in, see, leaving the manpower crisis in key departments of the state. See, one of in healthcare system is working on 40%, and there is a bold and honest admission on part of the honorable minister that out of the sanctioned posts. In different categories, non-gazetted, gazetted, and multitasking, there is less than 50% are in place. So the direct result is that it impacts. First result is that it emboldens people to go for illegal mining when we don't have sufficient staff. Second is, sir, the people are overstepping, are unilaterally enlarging their areas that have been allotted to them for mining. So that because of lack of supervision, there is less staff and there is lack of supervision. Sir, though it is stated in the reply that some steps have been taken to get the recruitments made, but not enough is being done. I would request the Honorable Minister to ask the UT government to expedite the selection process. And in the meantime, as some 50 employees of J&K Cements have been already deputed, I would suggest that first the delegated workers now in Jobs and Mining Department be regularized. Second is that we have 51 from delegated workers from Jammu and Kashmir Cements Limited. They can also be deputed. Sir, I would request the government to consider regularization of the delegated workers and also deputation of these extra. Third is, sir, government should also take steps for demarcating the areas which have been allotted for mining to different factory owners, including the same factory owners in three of Khonwar one area, because the lack of staff has emboldened the entrepreneurs to go unilaterally expand here, and there is a country. यपर मरकजी वजीरन हसनैन मसूदी सिंद सवाल जवाब दिवान वोनमुत जम्मू कश्मीर सरकार तरफ अमे हवाल मरकजी सरकार तफसीली रिपोर्ट पेश कर आमुत जन मरकजी वजारत तरफ जम्मू कश्मीर सरकार हिदायत दिन आई जॉलजी एंड माइनिंग मज काम करने वाले डिलवेज मुलाजमन हिंद मसल अंजरावन हवाले गजीद कदम तुलने यिन युत जन इलीगल माइनिंग पे रोट लागनस मज आसानी सपद has been almost normalized in the Jammu and Kashmir. Otherwise, everybody knows what was happening before, especially 2019 and especially in past two, three years. Lot of improvement is there in the overall situation. By that, now people are expecting in almost every sector that there should be progress, and I appreciate Justice Saab that he has asked a very good question. And as the information given by the Jammu and Kashmir government, the recruitment process is on, and it is a fact that some of the posts are vacant, and now we have found out a lithium also there. The auction also we have put it for the auction. Auction process is on. Keeping all that in mind, we have advised all the states जो आपके माइनिंग डिपार्टमेंट और ज्योलॉजी के डिपार्टमेंट में जो खाली पद है उसको भर्ती करने के लिए हमने निवेदन कर रहे हैं।
इसका एक तो जम्मू एंड कश्मीर में तो स्थिति अलग है और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो बहुत बढ़िया कोशिश तो कर ही रहे हैं और इसका आंकड़ा तो मैंने दिया हूं, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं। जिसके लिए प्रमोशन के थ्रू करना है, एलिजिबल कैंडिडेट भी नहीं है, ये भी एक इश्यू है। दूसरी बात तो ये तो लेगेसी इश्यू है, जो पहले से जो 10-15 वर्ष से जो है उनको अभी प्रमोशन देना पड़ता है, लेकिन आज के दिन में तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो है नहीं है। तो इसके कारण बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वगैरह शुरू किया है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए मैं माननीय उपराज्यपाल शुमाली कशीर हिंदिस करना कपवरिस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज करना आमुत यथ मज वकार रसूल वनिस अलाव दोमियों लीडरों तो वर्कर शिरकत कर अथ मौके पेट ये मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाल कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तम गलकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाप कम कर ज्यादा खोत ज्यादा लूक कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन लोगों को बिजली की बिलें बहुत बड़ी बड़ी। काफी लोग आज जलसे में आए थे और हमने इनको कांग्रेस की जो प्लानिंग है उसकी बात की। यहाँ पे लोग काफी सफर कर रहे हैं, यहाँ पे टनल की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्दियों में पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है। 2 किलोमीटर टनल बनाने से कोई खजाने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इकतदार कांग्रेस का 2014 तक रहा। देखिए नहीं रही, हो सकता है हमारी रिप्रेजेंटेशन ना रहने की वजह से ऐसा हुआ हो। एक वो बड़ी प्रॉब्लम है, अस्पतालों में स्टाफ की प्रॉब्लम है, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की है वो बहुत खराब है। आज भी 50% से ज़्यादा लोग जो जिनके पास थोड़ी इकोनॉमी अच्छी है वो जम्मू और श्रीनगर दूसरे इलाकों में चले गए हैं, वो आप गर्मियों में यहाँ हैं। यहाँ पे आज जलसा जो था वो उन लोगों का था, उन गरीबों का था जो यहाँ रहते हैं सर्दियों में भी। इनकी परेशानियाँ देखने की ज़रूरत है जो यहाँ 6 महीने सर्दियों में रहते हैं। इनके पास राशन का इंतज़ाम है, इनको सरकार देती है 5 किलो राशन। 5 किलो से क्या बनेगा? कांग्रेस आएगी तो 15 किलो देगी, 5 किलो से कुछ नहीं बनेगा। अब जो घर में बैठा है ना उसके पास खेती है ना बाड़ी है, यहाँ पे बर्फ पड़ गई तो 5 किलो से 6-6, 8-8 लोगों को कैसे पालेगा वो? राशन की बात है, अस्पतालों में स्टाफ होना चाहिए, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोगों की जितनी मुश्किलें हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है और यहाँ स्पेशल भर्ती कराने की ज़रूरत है। वहाँ पर भी हमने रोशनी डाली, आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम यहाँ रहेंगे, पूरे इलाकों में जाएंगे और कोशिश करेंगे हमारा नुमाइंदा जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ जी। पूरे दुनिया में ईवीएम्स बैन हो गए, 120 मुल्कों ने ईवीएम्स को ख़त्म कर दिया क्योंकि वो हैक होती हैं, उसमें चिप लग सकती है, उसको कम किया ज़्यादा किया जा सकता है। पूरे यूरोप ने, ब्रिटानिया ने, फ्रांस ने। नाजरीन कशीर खबरनामे जारी, ये नमो तजारती वक्फ़।